ये उन दिनों की बात है। अनजान हूँ उस एहसास से जो ना मिला मुझे तेरे प्यार में। आधे रास्ते तूने छोड़ दिया अजनबी सा ये सिला है दिया। छोड़ दो ये सब ना ना ना। तूने ये लाइन पढ़ी? रोमियो जूलियट को किस कर रहा है? नहीं, जो भी लड़का मेरे हाथ पे किस करेगा उसी से मैं शादी करके रहूंगी। आज मुझे हंसी आती है कि मैं इस बात पर इतना रोई थी कि समीर ने स्वाति के हाथ पर किस किया तो समीर स्वाति का हो गया। क्या करे, उन दिनों की परवरिश ही ऐसी थी। टच करना एक लड़के और लड़की के रिश्ते की बहुत ही खास स्टेज हुआ करती थी, और किस करना तो ऐसा था कि 7 जन्म साथ रहने की कसम पर मोहर लगा दी गई हो। नैना, नैना क्या तुम अंदर हो? नैना क्या हुआ? मुन्ना ने बताया कि तुम बीच ही भाग गई। वो क्या हुआ नैना? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। कुछ ठीक नहीं है मतलब? मतलब अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, दोस्ती भी नहीं। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे संस्कार एक दूसरे से बहुत अलग है, और मैं तुम्हारे जैसी नहीं बन सकती ना तुम मेरे जैसे। तो आज से हम बात नहीं करेंगे, ना ही कभी मिलेंगे, क्योंकि दोस्ती भी तोड़ दी तुमने। मुझे माफ कर दो, आई एम सो सॉरी, पर मैं ऐसी ही हूँ। आज से हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं। तुम जाओ यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से। लिसन नैना, लेकिन बाहर निकलो, मुझे टेंशन है। नैना बात तो सुनो मेरी। बाहर निकलो। बंबई, दिल्ली और कलकत्ता की शानदार कामयाबी के बाद अब आपके शहर अहमदाबाद में भी आ गई है सुपरहिट फिल्म आशिकी। आशिकी आशिकी जबरदस्त कहानी, सुपरहिट गाने, देखिए देखिए जवान दिलों की म्यूजिकल प्रेम कहानी आशिकी आशिकी आशिकी। आप सभी के नजदीकी सिनेमाघरों में जरूर जाएं। भगवान झूठ ना बुलाए, बहुत ही बढ़िया गाना है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे किशोर कुमार का पुनर्जन्म हो गया हो। मैं कल ही प्रीति को बोल के इस फिल्म का एक कैसेट मंगवा लूंगी। हाँ। ओ भाई, तुम जैसों की वजह से ही जमाना बिगड़ रहा है। अरे फिल्में तो हमारे जमाने में बनती थी, सती अनसुईया, हाँ और क्या संत ज्ञानेश्वर, और ये इनको देख लो, ये आशिकी और क्या दिल और मैंने प्यार किया। ओ भाई, अब बच्चे बिगड़ेंगे तो बनेंगे क्या? वो कपड़े मैंने कर दिए, आती हूँ। हाँ कर दिए, बड़ा एहसान कर दिया। प्यार तुमसे करते हो तुम सनो, प्यार तुमसे करते हो तुम सनो। बहुत बढ़िया प्रलय, तुमसे करते हो। ओ भाई प्रलय, ये क्या बंदर के जैसे उछक-उछक के नाच रहा है? अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, मतलब अब कहाँ गया संस्कार? देखिए ना डिस्को डांस कर रहा है हमारा प्रलय बाबू ने। वाह बेला, ताना मारने का मौका मिले तो तुम चूक कैसे जाओगी है? कितना मजा आ रहा है और ये सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारा टीवी, तुम्हारा चित्रहार। और परले तुम ही चाची के यहाँ जा जाके ना भोंडी हरकतें सीख रहे हो। अरे अबे चलो पढ़ाई करो। क्या करूं भाई? ओ भाई कल तो इसका टेस्ट है अंग्रेजी का, वो भी शिफाली से बात करनी पड़ेगी। क्या तुम से करते हो भाईपाल भैया? जी दीदी। नीचे लड़की रहती है ना जी, शिफाली, शिफाली जरा बुला दो उसको। जी। क्या तुम से करते हो? मना किया तेरा, बंद कर, बंद कर नाचना। मैं भी तब से यही कह रही हूँ, सुन नहीं रहा। हाँ दिख रहा है। चलो बैठो वहाँ पे। ताई जी आपने बुलाया था मुझे। आ रही हूँ। अरे चिल्ला क्यों रही है आप? शिफाली वो एक काम था, वो परलय बाबू को थोड़ा अलग से पढ़ा दोगी? कल टेस्ट है उसका। टेस्ट है? टेस्ट? ताई जी टेस्ट है। पढ़ाने के पैसे किसके मिलते हैं? परलय बाबू के ना, तो बस उसी को पढ़ा। अब सीधे से बता दो पढ़ाएगी कि नहीं पढ़ाएगी? जी जी। कब है टेस्ट? कल। कल है, कल है टेस्ट। कैसे पढ़ाऊंगी उसे आज? पढ़ाऊंगी तो मैच मिस हो जाएगा और नैना के घर जाऊंगी तो नहीं नहीं नहीं, सचिन की बैटिंग नहीं मिस कर सकती मैं। कुछ सोच शिफाली, कुछ सोच। मन में क्या बुदबुदा रही है? पढ़ाएगी कि नहीं पढ़ाएगी बता दे। अब ताई जी मैं ना बहुत बीमार हूँ कल से, आप एक काम करो ना, आप परलय को मेरे घर भेज दो। ओ भाई अब क्या करूँ? अच्छा ठीक है ठीक है, मैं भेजती हूँ, बस 2 मिनट में भेजती हूँ किसी के साथ। हाँ अच्छे से पढ़ाना, फेल नहीं होना चाहिए। जी जी। टेस्ट जिंदगी मेरा भी ले रही थी और ये पहली बार था कि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में टॉप करने वाली मैं प्यार के इम्तिहान में फेल हो गई थी। हेमा आज ना स्वाति का क्या सॉलिड पोपड़ बना है यार ड्रामे में। और उसने क्या सोचा था कि समीर उसके हाथ को किस करेगा और सब लोग हंसेंगे। सही में। और समीर पागल थोड़ी ना है जो उसके हाथ में किस करेगा। और तूने देखा था जब सब लोग हंस रहे थे और स्वाति अपना हाथ ऐसे आगे कर रही थी और समीर उसके हाथ को किस करने से पहले ही बेहोश हो गया था और किस ही नहीं हुई थी। लेकिन काम्या तेरी बात बता, समीर सच में बेहोश हुआ था या नाटक कर रहा था? तुझे मैं सच बताऊं 100% ना उसने नाटक किया। हाँ सही कह रही है, किस ना करना पड़े। समीर की बेहोशी की खबर सुनते ही मैं ऐसे भागी कि उस समय मैं पीटी उषा या मिल्खा सिंह जैसे चैंपियंस को भी दौड़ में हरा सकती थी, इतनी तेज भाग रही थी। क्योंकि गजब की जल्दी थी मुझे समीर से मिलने की और उसे बताने की कि अब हमारे रास्ते अलग नहीं हैं, आज के बाद कभी अलग नहीं होंगे। हाय वो बेहोश क्या हो गया, हमारी लव स्टोरी फिर से होश में आ गई और मैं प्यार के इम्तिहान में पास हो गई। अब अगर तूने मुझे हक किया तो अभी जाके स्वाति के हाथ पे किस कर। नहीं नहीं नहीं। अरे समीर ड्रामे का क्या धांसू एंडिंग था, ड्रामा भी हो गया और किस भी नहीं हुई। मैंने कहा था ना कि समीर की दोस्ती का एक उसूल है, कभी भी दोस्तों के प्यार पे आंख उठा के नहीं देखना। हाँ समीर यार तुम्हारी इतनी मॉडर्न सोच है तभी तो तुम हमारे हीरो हो यार। तू सीरियस क्यों है यार? यार इस ड्रामे की प्रॉब्लम से तो निकल गया पर अब नैना के साथ प्रॉब्लम हो गई है। अरे वो नैना तो पैदाइशी प्रॉब्लम है। उसके साथ प्रॉब्लम के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। सच्ची उसके साथ प्रॉब्लम ना होना प्रॉब्लम है। मैं तो कहता हूँ उसका सरनेम ही प्रॉब्लम है। आई नो यार, बट जब तक मैं ये शर्ट नहीं जीतूंगा ना तब तक मुझे ये दोस्ती का ड्रामा कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो रखना, पर कैसे? उस बहन जी को लगता है कि मैंने स्वाति के हाथ पे किस किया है और अभी बैठी हुई है आंखों में गंगा जमना लेके और फालतू की बातें कर रही है। आज से मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानते, हमारी दोस्ती नहीं है, आज से रास्ते अलग अलग हैं। समझ नहीं आ रहा अब शर्ट कैसे जीतूंगा। अरे समीर, तू तो शर्ट जीता बड़ा है भाई। कैसे? अरे छेनू समझ गया, तू नहीं समझा। नहीं समझा यार, बताना। क्योंकि वो तुझे स्वाति को करता नहीं देख सकी, वो चाहती है कि तू स्वाति को ना करे और तो और वो चाहती है कि तू उसे करे। भैया पंडित सही कह रहा है, नैना यही चाहती है, तभी तो बार बार जूलियट का रोल भी स्वाति से छीनने की ट्राई कर रही थी कि वो जूलियट बने और तू उसके हाथ पर किस करे। बर्निंग 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 बर्निंग। अरे जलन जलन, स्वाति से जलन यानी उसके दिल में प्यार। अरे स्वाति सौतन है उसके दिल में। समीर आई लव यू तो बोल डालेगी, मैं सच कह रहा हूँ पक्का। इस बात पे ना पार्टी बनती है। तुम लोग रुको, मैं क्लास से बैग लेके आया। ठीक है भाई, रोमियो से समीर भी बच गई हो वापस। अर्जुन एक काम कर दे बेटा। हाँ बोलो ताई जी। परले बाबू को लेकर जरा शेफाली के यहाँ चले जाओ ट्यूशन पढ़वाने के लिए। क्या शेफाली के वहाँ? नाना ताई जी, उसके घर नहीं। क्यों उसके घर क्यों नहीं? ताई जी आज मुझे टीवी पे इंडिया का मैच देखना है और उस मैच में सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सब लोग उसकी बैटिंग की बहुत तारीफ कर रहे हैं ताई जी। इतनी छोटी उम्र में जब वो इतना बड़ा खिलाड़ी बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? तो प्लीज ताई जी। और वैसे भी शेफाली तो रोज चाची के घर पे आती थी ना परले को पढ़ाने, तो आज आप इसे नीचे क्यों भेज रहे हो? नहीं वाह क्रिकेट वीर, बैठ के क्रिकेट ही देखा करो। हम इन दोनों बाप बेटों के लिए अपनी जान घिस घिस के दिए दे रहे हैं, लेकिन इनसे एक काम को बोलो तो फट से ना। अरे शेफाली को बुखार चढ़ा है इसलिए कह रहे हैं। तुम दोनों बाप बेटे से किसी काम की उम्मीद करना एकदम बेकार है। अच्छा ठीक है ना ताई जी, बस भी करो, ले जाऊंगा मैं परले को शिफाली के घर। ठीक है परले, चलो बैग लो अपना। और हाँ, यहाँ वहाँ घूमने मत निकल जाना, जरा ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ेगी। चल परले बेटा, अच्छे से पढ़ना। हाँ चल परले, जाओ आजा। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था, ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। रहीमन रहीमन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। रहीमन रहीमन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ। क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि हमारे रास्ते अलग हैं, फिर मेरे सामने क्यों आई? वापस लेने के लिए। तुम्हारा ऐसा क्या है मेरे पास जो तुम वापस लेने आई हो? वही सब जो मैंने तुम्हें दिया था, मतलब कि कहा था। पहले तुमने पूजा दीदी के लिए इतना अच्छा किया और फिर आज ड्रामा में भी जो किया वो बहुत अच्छा था। थैंक यू मेरी एक्टिंग की तारीफ करने के लिए। और वैसे भी एक्टर तुम्हें बहुत कमाल का हूं। नहीं एक्टिंग नहीं बाबा, मतलब मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं थी। नहीं नहीं मतलब हाँ एक्टिंग भी अच्छी थी पर एक्टिंग भी अच्छी थी यानी कुछ और भी अच्छा था क्या? वो तुमने स्वाति के हाथ पर किसने किया था ना वो। ओ, तो यानी मैंने स्वाति को किस नहीं किया, वो मेरी एक्टिंग से भी अच्छा था। वो वैसे तुम्हें पता है मैंने स्वाति के हाथ पे किस नहीं किया, उसकी वजह से लोचन सर ने मुझे कितना डांटा। डांट पड़ने दो, मतलब कि डांट नहीं पड़नी चाहिए थी, पर अगर तुम वो स्वाति के हाथ पर अगर मैं स्वाति के हाथ पे किस नहीं करता तो तुम्हें अच्छा लगता है ना। बोलो ना। मुझे बुरा लगता कि तुम और स्वाति। तो तुम्हें जलन हुई है, बोलो ना। और अगर जिन्होंने है निकले ना तुम भी बाकी लड़कों की तरह। तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे संस्कार ऐसे होंगे, पर मेरी परवरिश या मेरे संस्कार ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आज तुमने दोस्ती की सारी हदें पार कर दी, आज से सब खत्म, दोस्ती भी। इनफ। समझती क्या हो खुद को? जब देखो तुम और तुम्हारे पापा मुझे मेरे संस्कारों का सर्टिफिकेट देते रहते हैं। आखिर तुम लोग होते कौन हो मुझे जज करने वाले? और हाँ, बोलो मत कि मेरा नाम समीर महेश्वरी है। लड़कियां लाइन लगाती हैं मुझसे दोस्ती करने के लिए, समझ आया? लड़कियां मरती हैं मुझसे दोस्ती करने के लिए। और अगर मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ ना, तो जस्ट बिकॉज तुम जैसी हो मुझे वैसी अच्छी लगी थी। तुम जो सोचती हो वो सही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जो सोचते हैं तुमसे अलग हैं तो वो गलत हैं। तुम जैसी छोटी सोच वाली लड़की से ना दोस्ती तो क्या, मैं दुश्मनी भी करना नहीं चाहता। और हाँ, याद रखना जो तुमसे अलग है वो भी गलत नहीं होते, समझी? मेरे और समीर के बीच की इस जबरदस्त तकरार को आज के बच्चे नहीं समझ सकते। उन दिनों कोई हाथ पकड़ ले और किस करने की ट्राई करे तो ये नॉर्मल नहीं था। प्यार मतलब नो फिजिकल टच, 100% पवित्रता, यही सिखाया गया था हमें। तो समीर का ऐसे 4 दिन की मुलाकात में मुझे छू लेना, गुस्सा तो आना ही था। ये उन दिनों की बात है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.